वहीं आतिशबाजी से दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है। दिल्ली में बैन के बावजूद आतिशबाजी हुई है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और प्रदूषण से जो आम जीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जो है वो देखने को मिल रही है और दिवाली पर गैस चेंबर बना दिल्ली एनसीआर। दीपावली के कुछ घंटे बीतने के बाद ही दिल्ली एनसीआर एक गैस चेंबर बन चुका है। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक के बावजूद गुरुवार की रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी बड़े पैमाने पर की गई। इस वजह से शहर में धुएं के बादल छा गए। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार था। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर की है। किस तरीके से पूरी दिल्ली एनसीआर जो है वो जगमग नजर आई रोशनियों में दिवाली के अवसर पर, तो वहीं दूसरी तरफ पटाखे किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में जलाए गए बैन के बावजूद वो आप देख सकते हैं। कई इलाकों में देर सुबह जो एनसीआर के हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार भी पहुँच गया। दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 556 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में सुबह 5:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 714 था। डिफेंस कॉलोनी में सुबह 5:30 बजे ये 631, पटपटगंज में 513 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। कुल मिलाकर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में प्रदूषण की धुंध न केवल देखने को मिल रही है बल्कि लोग उसे महसूस भी कर रहे हैं। दिल्ली के NH9 पर स्ट्रीट लाइट के सहारे प्रदूषण को हवा में साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लगभग एक सा ही नज़ारा है। अक्षरधाम फ्लाईओवर से NH9 की तरफ जाते हुए भी प्रदूषण की धुंध की चादर दिखाई देती है। प्रत्येक वर्ष दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाती है। पटाखों का ज़्यादा मात्रा में जलाना हवा में हानिकारक तत्वों को बढ़ा देता है। इससे प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल कण शामिल होते हैं। ये हवा और भी जहरीली बन जाती है। दिवाली के बाद सड़कों पर कूड़ा मिला जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिवाली के पटाखे जो हैं वो नज़र आए और गत्ते नज़र आए। जिधर नज़र जा रही थी उधर कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा था और ये कूड़े सिर्फ पर्यावरण के नुकसान नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर पटाखे जलाए जिसके बाद सड़कों पर कूड़े का अंबार नज़र आया। आतिशबाजी के कारण दिल्ली की हवा रात को ही बहुत खराब श्रेणी में पहुँच गई थी। दिवाली की रात 10 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया था। बुधवार को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 था। आनंद विहार, गाजियाबाद, लक्ष्मी नगर सहित प्रमुख इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शहर की हवा में PM2.5 की मात्रा अधिक बढ़ गई है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। धुंध से भरे आसमान में 2020 के गंभीर प्रदूषण की यादें ताजा हो गई हैं क्योंकि रात 9 बजे PM2.5 और PM10 का स्तर क्रमशः 145.1 और 272 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक बढ़ गया था। PM2.5 एक सूक्ष्म कण है जो सांस लेने वाले यंत्र में गहराई तक प्रवेश कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।